दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया होगा कि गवर्नमेंट ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दलित और मुस्लिम स्टूडेंट्स दोनों को दिए जाते थे, और ये स्कॉलरशिप दलित स्टूडेंट के लिए भी बंद कर दिए गए हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी बंद कर दिए गए हैं। इसके बंद करने के पीछे जो तर्क गवर्नमेंट देती है वो ये कहती है कि आरटीई के अंतर्गत ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक बच्चों को एजुकेशन देने का काम गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट ऐसे गरीब बच्चों को या तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन दे रही है या आरटीई की पॉलिसी और स्कीम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल्स में उनके एडमिशन होते हैं, और उन प्राइवेट स्कूल्स की फी गवर्नमेंट देती है जो 11,000 के लगभग है। ये तर्क गवर्नमेंट का है। हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट नंबर एक ये कि अचानक एकेडमिक ईयर के मिडल में इस स्कीम को विड्रा करना, ये एक बच्चों पर नाइंसाफी है, बच्चों के साथ नाइंसाफी है। इसलिए कि कई स्टेट्स में बच्चों से, स्टूडेंट से स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कर लिया गया, उसको उसका डेटा जमा किया गया, और ये डेटा गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जमा किया। बच्चे होपफुल थे, अब अचानक कहा गया कि इसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टेट फंड से इस स्कीम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम ऐसे स्टेट्स को अच्छी निगाह से देखते हैं, और ऐसे स्टेट में बीजेपी के रोल्ड स्टेट भी शामिल हैं, जैसा कि महाराष्ट्र है। लेकिन कर्नाटका में ये स्कीम विड्रॉ कर ली गई। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में ये अभी जारी है, वहां से विड्रॉ नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने जो तर्क दिया है हम उसको मानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि माइनॉरिटी और दलित के तमाम बच्चे गवर्नमेंट स्कूल और आरटीई कोटा के अंतर्गत एडमिशन नहीं लेते हैं। एक बड़ी तादाद, एक बड़ी नंबर में स्टूडेंट वो हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में फुल फीस देकर पढ़ते हैं। तो हमारा साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी तब्दीली ला सकती है, चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जो स्टूडेंट आरटीई के अंतर्गत एडमिशन लिया है उनको इस स्कीम से वंचित रखा जा सकता है, बकिया स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जा सकती है। ये इंसाफ का तकाजा है, लेकिन गवर्नमेंट ये अभी सुन नहीं रही है। इसको सुनना चाहिए। और ये जो स्कॉलरशिप दलित और माइनॉरिटी को दिए जाते हैं, ये गवर्नमेंट अपना हिस्सा देती है और स्टेट भी अपना कंट्रीब्यूट हर स्टेट करता है कंट्रीब्यूशन, और दोनों मिलाकर ये स्कॉलरशिप देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड देती है वो बहुत माइनर फंड होता है, ज्यादा नहीं होता है। इससे कहीं ज्यादा फंड सरकार लाभार्थी स्कीम्स के लिए दे देती है, और शायद वहां लाभार्थी स्कीम्स के लिए इसलिए इससे ज्यादा फंड देती है कि लाभार्थी स्कीम को इस्तेमाल करने वाले वोटर हैं, और यहां बेचारे बच्चे हैं जो अप टू ग्रेड 8 हैं, किसी भी पार्टी को चूंकि वो वोट नहीं देते हैं, शायद इसलिए भी गवर्नमेंट ने समझा होगा कि कोई फायदा ही नहीं है इनको देकर। हालांकि कई रिपोर्ट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की वजह से एनरोलमेंट का रेशियो, ग्रास एनरोलमेंट का रेशियो बड़ा है। सीएजी की भी रिपोर्ट है, कंप्यूटर एंड एटीट्यूड जनरल की, कि इस स्कीम ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। तो जो स्कीम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है उसको सम ले एक्सक्यूजेस के जरिए
इस तरह बंद करना किसी भी हालत में ठीक बात नहीं है। आप स्कूल्स भी नहीं बढ़ा रहे हैं और आप इस तरह के जो स्कीम्स हैं उसको बंद कर रहे हैं, तो एजुकेशन पर इसका बड़ा मनफी और नेगेटिव पड़ता है। ये स्कीम है, इसको प्राइम मिनिस्टर के 15-पॉइंट प्रोग्राम्स में रखा गया है और इतने प्रेस्टिजियस स्कीम को इस तरह अचानक बंद कर देना ये ठीक नहीं है। जमात इस्लामी एजुकेशन मिनिस्टर से, फिनांस मिनिस्टर से ये मुतालिबा करती है, ये डिमांड करते हैं और हमने ऑलरेडी अपना लेटर भेज दिया है, मेमोरेंडम भेज दिया है कि इस स्कीम को कंटिन्यू रखा जाए। अलबत्ता जो बच्चे आरटीई के जरिए एडमिशन लेते हैं, सॉफ्टवेयर में ऐसी तब्दीली की जाए कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये एक प्रेस्टिजियस स्कीम है। बहुत डिटेल में हमारे तनवीर साहब ने बताया है आपको, इसमें एक दो बातें और मुझे लगता है वो भी हमारे सामने रहनी चाहिए। आमतौर पे कमजोर तबकात को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें खास तौर से दलित और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको सहूलतें दी जाती हैं। ये शायद पहली बार हो रहा होगा कि सहूलतें छीनने का सिलसिला शुरू हुआ है, सहूलतें बढ़ाने की बात करने के बजाय, जबकि ये कहा जा रहा था कि ये स्कॉलरशिप का अमाउंट बहुत कम है और हुकूमत का ये समझना या समझाना कि स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फीस पे कर देने का नाम है, बल्कि और भी जरूरतें होती हैं स्टूडेंट्स की, तलबा की, जो उसके जरिए से पूरी होती हैं। तो ये जो सहूलतों को जो छीनने का जो सिलसिला, और वो भी एक खास ग्रुप के लोगों को टारगेट करके, ये एक पूरा पॉलिटिकल मूव नजर आता है और इसमें एक कम्युनल एंगल भी हमको साफ तौर पर नजर आता है। अभी आसाम में हमने देखा कि आसाम में वहां की गवर्नमेंट ने वहां के मदरसों को जो ऐड मिलती थी सरकार से, और जो मदरसे सरकार की मदद कर रहे हैं तालीम को बढ़ाने में, उनको एकदम खत्म कर देना, और इधर यूपी में मदरसों के सिलसिले में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, और अब ये स्कॉलरशिप पर इस तरह का निशाना, तो ये एक खास मेंटेलिटी और एक खास पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ इशारा करता है, जिसको जमात इस्लामी हिंद बहुत खतरनाक समझती है। अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा, इसमें आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं। तो ये तनवीर साहब से मेरा ये सवाल है कि आपने प्री मैट्रिक वाले इशू को तो उठाया, लेकिन आपने यानी जमात ने इस पर खामोशी क्यों अख्तियार कर ली, जो मौलाना आजाद फेलोशिप के सिलसिले में फैसला हो गया है? जी वो अभी हमने पढ़ा, लेकिन देखिए साफ रखा दिया गया है कि अभी अवेलेबल नहीं है। नहीं, सही है, वो तो अखबारात में आ गई है चीज, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का सर्कुलर डिसीजन, ये सारी चीजों का अध्ययन करें और डेफिनेटली आएंगे। एक आध दिन डिले हो जाएगा लेकिन आएगा, लेकिन जो भी रिपोर्टें आई हैं वो रिपोर्टें मैटर ऑफ कंसर्न है, हम उसको भी कंडम करते हैं। जी साहब, से मेरा सवाल है कि ये जो आपने फरमाया कन्वर्जन के सिलसिले में, क्या इससे दस्तूर के जरिए फराहम करदा जो प्रोविजंस है ये प्रोपेगेशन का और प्रीचिंग का, यानी जमात इस्लामी या दीगर मजहबी तंजीमें जो आपको कम्युनिटीज जो दावत का काम करती हैं, क्या उससे ये मुतासिर होने का अंदेशा है? देखिए, ये मसला किसी खास मजहब से मुताल्लिक नहीं समझते हम, ये मसला इंडियन सिटीजन्स की फ्रीडम का मसला है, और ये हर सिटीजन का हक है कि वो अपनी पसंद का मजहब अख्तियार करे, और उसी अख्तियार में ये बात शामिल है कि वो जिस मजहब या आइडियोलॉजी को मानता है उसको वो लोगों तक पहुंचाए, लोगों को कम्युनिकेट करे, लोगों को बताए, प्रोपेगेट करे, ये हक भी हमारा दस्तूर देता है।
सबको देता है, सबको देता है। अब इससे कौन क्या मजहब अख्तियार करता है, ये अख्तियार उसका है। यहां जो बात कही जा रही है कि फोर्स कन्वर्शन हो रहे हैं या लालच देकर कन्वर्शन किया जा रहा है, तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको फैलाने की कोशिश हो रही है। और उसके पीछे जैसा कि मैंने अर्ज किया, एक पूरा कम्युनल एंगल है उसके पीछे, कि एक खास किस्म का डर का माहौल, डिवीजन का माहौल, नफरत का माहौल हिंदुस्तानी सोसाइटी में पैदा करके, पोलराइज करके उससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश करना। तो ये राइट जो है, जैसा कि मैंने उसका भी जिक्र किया, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के डिसीजन का, जिसको हमने अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी शख्स को पर ये लाजिम करना कि वो अपना इंटेंशन बताए मजहब कबूल करने से पहले, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इशारा करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस राइट के बारे में बहुत सेंसिटिव है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ वक्त से इस इशू को जिस तरह से उछाला जा रहा है वो एक सियासी एजेंडा है। क्या मशहूर वकील गौन साहब के इस ख्याल से आप इतफाक करते हैं कि ये फिशेस है, ये बात फिशेस है, फर्जी है या गलत है कि आपको ये कन्वर्जन फोर्स नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल, डाटा एक इंटरव्यू में दावा किया है जी। एक मशहूर वकील है कॉलिंग गौन बात नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए कोई स्टैटिस्टिक्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। और जिसको आप फोर्स कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये लालच है, उसकी जो लालच की जो डेफिनेशन बताई गई है बड़ी मजक्का खेज है। अगर कोई ये कहता है कि कोई अच्छा काम करने से जन्नत में जाएगा और स्वर्ग में जाएगा, उसको भी लालच कहा गया है। कोई गलत काम करने से जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा, ये हमारा विश्वास है, आप भी इस पर गौर कीजिए, इसको भी डर और डराना धमकाना में शामिल किया गया है। तो इट इज ए रिडिक्यूलस आर्ग्यूमेंट विच आर बीइंग गिवन। कन्वर्जन के बारे में बात हुई जी, जी उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया पार्लियामेंट में परसों जी। उस जवाब में ये बता रहा है सिंस द एमएनएफ स्कीम ओवरलैप विद वेरियस अदर फेलोशिप स्कीम फॉर हायर एजुकेशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर सच स्कीम, हेंस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द एमएनएफ स्कीम फ्रॉम 2022 to 2023। जी ये तो स्पष्ट किया है। हाँ सही है, इस पर हम पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन है किस तरह, ये फाल्स एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये है एक रूल कि अगर कोई स्टूडेंट एक स्कीम को अवेल करता है तो वो दूसरी स्कीम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और आप टोटल माइनॉरिटी के लिए जो स्कीम दे रहे हैं वो स्कीम इतने मीगर हैं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट के जो इश्यूज हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछली सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की थी, इंट्रोड्यूस की थी, वो थी फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज के लिए, उसको भी विड्रॉ किया गया। जबकि उसकी भी जो रिपोर्ट आई है सीएजी की और दूसरे असेसमेंट्स की, वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि यहां से माइनॉरिटी स्टूडेंट बाहर गए और उन्होंने यहां तक के रिसर्च का काम किया और अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो ये सारे अच्छे रिजल्ट हैं, और इसको आप एकदम नेग्लेक्ट करके इस तरह से एबॉलिश कर देना स्कीम्स को, ये बिल्कुल अनजस्ट एक्ट। Do you think that they will abolish all minority welfare schemes like it? नहीं, हम तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमको तो अच्छे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए हर हुकूमत से, क्योंकि सरकारें सबकी सरकार होती है, किसी एक जाति या किसी एक सेक्ट की सरकार या एक मजहब वालों की सरकार नहीं होती है। लेकिन कोई सरकार ऐसे एटीट्यूड इख्तियार किए तो ये एटीट्यूड बहुत हाईली कंडमनेबल है। यानी किसी स्कीम को विदाउट एनी डेटा प्रूफ एबॉलिश कर देना,
ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके सिटीजन्स के सिटीजन्स से इनजस्टिस है। सर एक सवाल है, अगर आपने जो जिक्र किया कि कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जो लोएस्ट एनरोलमेंट रेशियो है जी, हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेशियो है वो मुस्लिम से आता है जी, तो सर अगर ऐसे समय में अगर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है स्कॉलरशिप के बाद, तो उस पर्टिकुलर क्लास के बच्चे क्लास 1 से 9 के बच्चे इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में कैसे अफोर्ड करें, वो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स के तौर पे अपने आप को कैसे देखते हैं, और अगर इस चीज को अगर एजुकेशन को आगे बढ़ाने में कंटिन्यू करने में वो खुद को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग का क्या उसके प्रति प्लान है? देखिए आपका जो कंसर्न है हमारा भी वही कंसर्न है, और हम बार बार कहते हैं कि एक तरफ आप तो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर या तो खत्म कर रहे हैं या प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों दे रहे हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स उसमें कोई उनके पास सोशल कंसर्न नहीं है, कोई उनके पास क्या कहना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। कितने फीसेस हैं, एक आम आदमी एक मजदूर इतने फीसेस कैसे अफोर्ड कर सकता है? प्री स्कूल की फीस दिल्ली में मोर देन 50,000 रुपीस है। तो एक तरफ तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ स्कीम्स को खत्म कर रहे हैं, तीसरी तरफ कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन में जो सोशल फैक्टर था उसको खत्म किया जा रहा है, अब सिर्फ पैसे वाले का बेटा एजुकेशन हासिल करेगा। अगर यही स्थिति रही तो 10 सालों के बाद सिचुएशन बड़ी खराब होगी। सर इनके सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि आपके पास क्या प्लान है, जो मुस्लिम तंजीमें हैं या बहुजन या दलित तंजीमें हैं उनका क्या प्लान है इनसे ऐसे बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन के लिए? देखिए हमारे पास जो तालीमी बोर्ड है जमात इस्लामी का, उसने पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किस तरह हम इस देश के तालीमी स्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, और हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा गवर्नमेंट से है, क्योंकि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइमरी एजुकेशन को शिक्षा को फ्री देने का काम हुकूमत का होता है, और हमारी हुकूमत इस क्षेत्र से विड्रा हो रही है। तो सबसे पहले तो हम हुकूमत पर जोर डालना चाहते हैं कि वो एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर करे, सरकारी स्कूलों को बंद करने के बजाय उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे, और जो बजट होता है बजट में इंक्रीज करें। हमेशा 6% जीडीपी की बात होती है, लेकिन रिपोर्टें देख लीजिए जो खर्च होता है वो 3% से कम होता है। एजुकेशन पूरी तरह नेग्लेक्ट हो चुका है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट आ गया है, दूसरा सिविल सोसाइटी भी इसमें आ गया है। ओके, सिविल सोसाइटी गरीबों की मदद करे, सिविल सोसाइटी अपने तौर पर जितना मुमकिन हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करे। एक पूरा प्लान और मंसूबा हमारे पास मौजूद है, अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा बता सकूं, लेकिन हमारे पास है कि गवर्नमेंट क्या करे, सिविल सोसाइटी क्या करे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या करें।